हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, यूनिट सिक्स। स्टूडेंट, आज हम यूनिट सिक्स का आपको चेक योर सेल्फ कराएंगे। ओके स्टूडेंट, आज जी पेज नंबर है जी 51। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई के अगर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो स्टूडेंट हम उनकी शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, स्टूडेंट अगर दो डिजिट मल्टीप्लाई है इक्वल के बाद में एक उनमें से एक डिजिट है दूसरी नहीं है, तो जो नहीं है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या नहीं है, 382 स्टूडेंट, 214 और 382 की मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा। तो स्टूडेंट 214 की मल्टीप्लाई 382 में ही होगी, तभी इनका भी इक्वल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 65 मल्टीप्लाई जीरो, अगर 65 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे स्टूडेंट तो जीरो ही आंसर आएगा, ये हमें पता। तो जब जीरो आंसर आ गया तो फिर 287 की मल्टीप्लाई भी जीरो में करी, तो स्टूडेंट यहाँ भी आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ 500 है, यहाँ 7200 है, यहाँ 500 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 7200। तो जी ये आ गया, आपको पता है स्टूडेंट अगर वन से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम का सेम आंसर आएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो वाक्य दिए गए इनमें से आपको ट्रू फॉल के निशान लगाने हैं। तो स्टूडेंट इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आंसर ये आ गया 15690। देखिए स्टूडेंट अगर जीरो की मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, है ना, और फिर जीरो की मल्टीप्लाई 122 में करेंगे तो भी आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये आंसर आ रहा था इसका, तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब ये तीन मल्टीप्लाई है, ऑप्शन हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन तीनों की वंस वंस वाली मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वंस डिजिट पे है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 3। और स्टूडेंट यहाँ क्या है, 3 5 15। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे वंस पर जो आएगा वो 5 आना था इसके अनुसार, और लेकिन आया 3, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है जी। तो हमने इन तीनों की वंस 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 वाले डिजिट की मल्टीप्लाई कर ली। अगर वंस डिजिट पे देखो यहाँ 3 है लेकिन 5 आ रहा, तो ये रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, अब इनकी भी वंस वाली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 35। तो देखिए स्टूडेंट 5 आ गया, तो ये ट्रू है। और नए स्टूडेंट आप इन्हें रफ कॉपी पे ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है जी। 7 8 56 और 3 0 है, 3 0 सेम के सेम है, तो स्टूडेंट ये भी ट्रू हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसे देख लीजिए हैं, ये किससे मैच होगी, 120 की मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 7 0 0, 7 2 14। तो स्टूडेंट 10 प्लेस पर 4 आना चाहिए, देखिए 10 प्लेस पर 4 कौन सा है, इस वाले पे ही है, ठीक है। तो इस वाले के साथ में हम ए मिला देंगे, हो गया स्टूडेंट। अब 8 4 32, तो वंस वाले डिजिट पे स्टूडेंट 2 आना चाहिए, देख लीजिए कौन सी में, सिर्फ एक में ही है, अगर दो में होता तो स्टूडेंट हम फिर मल्टीप्लाई और भी करके देखते, तो स्टूडेंट ये बी से मिल जाएगा, ठीक है जी। अब सी वाला स्टूडेंट जीरो को छोड़ दीजिए, वंस को तो जीरो आएगी ये,
अरे 8 4 8 32, तो स्टूडेंट 20 होगा, 1 10 पर 20, देख लीजिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो स्टूडेंट ये इससे मिलेगा, सी वाले लिख दीजिए इसमें। अब 5 6 30, तो स्टूडेंट हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए है ना। अब इसे एक मिनट को छोड़ लीजिए, इसे देख लीजिए, 36 2 72 और 2 0 ये 3 0 ये, तो स्टूडेंट ये इससे मिल गया है ना। अब डी बचा और सी बचा, स्टूडेंट ये इससे ही मिलेगा 100%, ठीक है ना। 5 6 30 0 कैरी 3 25 है जी, और 3 28, तो इससे मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है जी। तो ये भी होगी मैचिंग भी हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ऑप्शन राइट है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर आप चाहें तो, और आपको भी पहले अलग से लिख के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 7 9 जा कितने हो, देखिए ये है, तो हम स्टूडेंट पहले से ही करेंगे, 7 9 जा कितने हो, 63 हो, कैरी 3। तो स्टूडेंट अगर 1 प्लेस पर देखें तो यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, एक यहाँ भी 3 है ना। तो स्टूडेंट हमें करके ही देखना पड़ेगा सर क्वेश्चन को, ऐसे नहीं वंस की सहायता से नहीं होने वाला है ना। अजी 7 3 21 और 6 27 2, 7 2 14 15 16 कैरी 1, 7 6 42 और 1 43, अब 2 9 18 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, और 2 2 4 और 2 6 12, 3 आ गया जी, 8 5 15। ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ 53 आया वंश पर, इसमें 35 है, इसमें 53 है, इसमें 43 है, इसमें भी 43 है, तो स्टूडेंट 53 वाला ये है, तो हम यही छोड़ देंगे सर, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया अपना, ठीक है। पूरा पूरी मल्टीप्लाई करना चाहिए आप, पूरी भी करके देख सकते हैं, वैसे हमें ये अपना ऑप्शन मिल गया। तो यही शॉर्ट ट्रिक होती है स्टूडेंट, इससे हमें समय की बचत होती है, लेकिन करना सही आना चाहिए। हाउ मैनी मिनट आर देयर इन द 5 आवर, स्टूडेंट आपको बताना है कि 5 घंटे में कितनी मिनट होती है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 5 5 6 30, 10 ये 300 हो गई स्टूडेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd वाला। तो जी सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ईच ईयर 2645 चिल्ड्रन पास आउट फ्रॉम ए स्कूल, एक स्कूल से हर साल 2645 बच्चे पास होते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन पास आउट फ्रॉम स्कूल इन 15 ईयर। तो आपको स्टूडेंट बताना है कि 15 साल में कितने बच्चे स्कूल से पास हो जाएंगे, तो एक साल में कितना होता है 15 में पूछ रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट 15 की मल्टीप्लाई इस डिजिट में कर देंगे, जो आंसर आएगा वही ऑप्शन है। देखिए 15 5 75 75 का 5 और कैरी लगे 7 स्टूडेंट है ना, और 15 4 60 और 7 67, तो 67 का 7 कैरी लगे 6, तो स्टूडेंट 1 10 पर 75 आएगा, तो देख लीजिए 1 10 पर 75 को आया ये रहा, तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है जी। आप चाहे तो पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 200 पैसेंजर कैन बी सिट इन ए 1 एरोप्लेन है ना,
250 जो यात्री हैं वे एक हवाई जहाज में बैठ सकते हैं जी। हाउ मैनी पैसेंजर कैन विजिट इन द 16 एरोप्लेन, तो स्टूडेंट 16 में कितने बैठेंगे, वन में इतने बैठे हैं तो 16 में कितने बैठेंगे, अधिक अधिक के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 0 0 यहाँ लिख लेते हैं, 16 0 0 16 5 जा 80 की जीरो कैरी 8 और 16 2 जा 32 और 8 40 तो स्टूडेंट ये वाला आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट होगा, चेक योर सेल्फ आपका कंप्लीट हो गया जी, है जी। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।